नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका अगेन स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पहली मॉन का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने पहली मॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है और इसके आज हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पहली मॉन के कौन कौन से पार्ट किस प्रकार से पाए जाते हैं। और बात की जाए पेलीमोन की, तो देखो हम इसके अंदर बात करेंगे कि पेलीमोन के एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो पेलीमोन जो है वो एक एक्वाटिक एनिमल्स है। पेलीमोन जो है वो एक जलीय प्राणी है। अगर इसके एक्सटर्नल फीचर्स की मैं बात करूं तो देखो एक्सटर्नल फीचर्स, पेलीमोन के एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए तो देखो मैंने आपको बताया था कि पेलीमोन जो होता है तकुए के आकार का होता है। पेलीमोन तकुए के आकार का प्राणी है जिसके कई स्पीशीज पाई जाती हैं। अगर हम बात करें पेलीमोन मालकोमसोनाई की, मालकोमसोनाई की, तो देखो पेलीमोन मालकोमसोनाई का आकार था 25 से 40 सेंटीमीटर के लगभग। और यदि मैं बात करूं पेलीमोन लेमेरे की, पेलीमोन लेमेरे की, तो उसका साइज था 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। तो देखो, और हमने एक बात और पढ़ी थी कि पेलीमोन के अंदर बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलैटरल सिमेट्री अर्थात पेलीमोन एक द्विपार्श्व सममित प्राणी है। शैशवावस्था के अंदर इसका जो रंग होता है वो होता है सफेद एवं पारभासी, सफेद पारभासी। जबकि अगर हम बात करें इसकी व्यस्क अवस्था की, अगर हम बात करें इसकी व्यस्क अवस्था की, तो देखो व्यस्क अवस्था के अंदर यह पीलाब या पीलाब हरे से रंग का होता है। तो यह थी इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, देखो कि जो पेलीमोन होता है वो 19 खंडों से मिलकर बनता है, यानी कि पेलीमोन का जो शरीर है वो 19 खंडों से मिलकर बना होता है। देखो जिसके अंदर हम बात करते हैं कि पेलीमोन का शरीर 19 खंडों से मिलकर बना है, तो हम पेलीमोन के शरीर को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला शीर्ष भाग दूसरा वक्ष भाग, तीसरा उदर वाला भाग। शीर्ष भाग के 5 खंड, वक्ष भाग के 8 खंड और उदर के 6 खंड, ठीक है। शेष भाग के 5 खंड, वक्ष भाग के 8 खंड और उदर के 6 खंड मिलकर बनाते हैं पेलीमोन के शरीर को। जिसमें हम बात करें कि पेलीमोन का यदि शीर्ष भाग प्लस वक्ष भाग को जोड़ दिया जाए तो यह कहलाता है शिरोवक्ष भाग, शिरोवक्ष भाग। इस सिरे वक्ष भाग को बोला जाता है
सिफेलोथोरैक्स पार्ट, सिफेलोथोरैक्स पार्ट, यानी कि हमने बात की कि पहले वो उनके शीर्ष विपक्ष भाग दोनों आपस में अटैच होते हैं तो बनाते हैं शिरोवक्ष भाग जिसे हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स पार्ट, और एब्डोमिनल रीजन के छह खंड जो होते हैं वो पेलिमोन के अंतिम सेगमेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंतिम खंड पर दो प्रकार की संरचनाएं भी पाई जाती हैं, दो प्रकार की विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। जिसमें पहली संरचना है टेलसन और दूसरी संरचना है इसके अंदर यूरोपोड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेलसन एक कंटक कंटक के समान होता है, टेलसन की आकृति एक कंटक के समान होती है जो कि नुकीली होती है। देखो ये वाला जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ये है टेलसन वाला पार्ट, और जो ये आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं यूरोपॉड। इन्हीं यूरोपॉड की सहायता से जब हमने इसके करैक्टर पढ़े थे, जब पेलिमोन के बारे में कुछ आपको बताया गया था, तब मैंने बताया था पेलिमोन एक शांत स्वभाव का प्राणी है जिसके अंदर क्या होता है, जल की सतह के अंदर दिन के समय में यह शांत बैठा रहता है, लेकिन जल की गहराई के अंदर, लेकिन जब इसे कोई मूवमेंट मिलती है तो ये अपने बॉडी के अंतिम सेगमेंट पर पाए जाने वाले यूरोपॉड की सहायता से पीछे की तरफ मूवमेंट करता है या फिर उछलने लगता है, जिसकी सहायता से ये पीछे की तरफ मूव करता है, तो वो है यूरोपॉड वाला पार्ट। तो देखो यूरोपॉड जो होते हैं पेलिमोन के अंदर, ये उसे गमन में या पीछे की तरफ मूव करने में सहायता प्रदान करते हैं, मूव करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो देखो ये तो हमने बात की कि पेलिमोन को, पेलिमोन का शरीर जो होता है वो कितने खंडों से मिलकर बना होता है, एक्सटर्नल फीचर्स की, एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा यदि मैं बात करूं पेलिमोन के अंदर स्केल्टन सिस्टम की, स्केल्टन सिस्टम इन पेलिमोन, देखो यदि पेलिमोन के अंदर स्केल्टन सिस्टम की बात की जाए तो पेलिमोन के अंदर दो प्रकार का स्केल्टन सिस्टम मिलता है, जिसमें पहला होता है एक्सोस्केल्टन और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोस्केल्टन। एक होता है इसमें बाह्य कंकाल जो कि काइटिन का बना होता है, और एक होता है अंतः कंकाल जो क्यूटिकल की अति वृद्धियों के रूप में उभरा रहता है। हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सोस्केल्टन की, तो मैं आपको बता दूं कि पेलिमोन के अंदर काइटिन का बना बाह्य कवच पाया जाता है, पेलिमोन की बॉडी में काइटिन का बना बाह्य कवच पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केल्टन या बाह्य कंकाल। एंडोस्केल्टन की बात करूं तो पेलिमोन के अंदर अंतः कंकाल की वैसे तो अनुपस्थिति होती है, लेकिन क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल की जो अति वृद्धियां होती हैं, आउटग्रोथ्स जिसको हम बोलते हैं, क्यूटिकल की जो अति वृद्धियां होती हैं वो यहां पे निर्माण करती है पेलिमोन के अंतः कंकाल का। हम बात कर रहे थे पेलिमोन के कंकाल की, तो देखो पेलिमोन का ये है
एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, यानी पेलिमोन के अंदर दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। याद रखना कि पेलिमोन के अंदर बाह्य कवच जो होता है वो कठोर काइटिन युक्त होता है, इसके अलावा इसके अंदर चूने के लवण व स्क्लेरोटिन की मात्रा भी होती है, चूने के लवण व स्क्लेरोटिन की मात्रा भी होती है। लेकिन मैं बात करूं कि पेलिमोन की, तो देखो पेलिमोन का जो एक्सोस्केलेटन है, पेलिमोन का जो पेलिमोन के शरीर का जो मुख्य भाग जो होता है, पेलिमोन के बाह्य कंकाल का जो मुख्य भाग होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर टर्कम, स्टर्नम, टर्कम स्टर्नम और प्लूरॉन, ये तीन चीजें मिलकर पेलिमोन के बाह्य कवच का निर्माण करती है। यानी कि हम ये कहें पेलिमोन का जो बाह्य कंकाल होता है वो मुख्य रूप से कंटकों से मिलकर बना होता है, और जो कंटक होते हैं या कटक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, टर्गम स्टर्नम और प्लूरॉन, जिसका डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेलिमोन के अंदर पाया जाने वाले यहां पे हमने बात की कि देखो यहां पे आपको सबसे बाहरी भाग जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको कहा जाता है टर्गम। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये आपका स्टर्नम वाला भाग, यानी कि हम ये कहें कि जो वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरीज है, ये वेंट्रल एब्डोमिनल
आर्टरीज, और नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है स्टर्नम, और ये जो भाग है ये कहलाता है प्लूरॉन, प्लूरॉन। ऊपर की तरह यहां पे सुप्रा इंटेस्टिनल आर्टरीज, सुप्रा इंटेस्टिनल आर्टरीज, तो देखो इस डायग्राम के अंदर स्विमर्स, स्विमरेट्स, और ये है इसका कोक्सा वाला भाग, मिड वाला पार्ट, बेसिस, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, एंडोपोडाइट, और ये है एक्सोपोडाइट। देखो हम बात कर रहे थे, हम इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। देखो हमने बात की कि पेलिमोन का, हम बात करते हैं सबसे पहले पेलिमोन के एक्सोस्केलेटन की, पेलिमोन के बाह्य कंकाल की। तो पेलिमोन का बाह्य कंकाल कठोर काइटिन युक्त होता है। पेलिमोन का जो बाह्य कंकाल होता है कठोर काइटिन युक्त संरचना है, कठोर काइटिन युक्त होता है। इसके अलावा इसमें चूने के लवण तथा स्क्लेरोटीन की मात्रा भी पाई जाती है, स्क्लेरोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। यानी कि पेलिमोन का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन युक्त होता है, जिसमें चूने के लवण और स्क्लेरोटीन की मात्रा भी होती है, जो कि कवच को भिन्न रंग का बना देती है, जो कि कवच को भिन्न भिन्न रंग का बना देती है। अब बात करते हैं, देखो पेलिमोन का जो मुख्य कंकाल है, पेलिमोन में मुख्य कंकाल जो होता है, पेलिमोन के शरीर का मुख्य कंकाल कई कंटकों से मिलकर बना होता है, कई कंटकों से मिलकर बना होता है। देखो कौन कौन से कंटक पाए जाते हैं, पेलिमोन के शरीर का मुख्य कंकाल कई कंटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें देखो सबसे पहला भाग ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाली, ये ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है, ये कहलाती है टर्गम। टर्गम की ये तो है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ शील्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये कहलाता है टर्गम वाला भाग। टर्गम जब नीचे की तरफ मूव करता है तो यहां पे इस तरीके की संरचना बनती है। देखो ये यहां से आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये कंटक यहां से आने के बाद इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो भाग है, ये वाली लाइन है, ये जो लाइनिंग है ये कहलाती है स्टर्नम, और साइड के जो दोनों भाग हैं ये वाले जिसके ऊपर मैं ओवरराइटिंग कर रहा हूं, ये वाला जो भाग है एक यहां पे और एक यहां पे, ये दोनों भाग कहलाते हैं प्लूरॉन। तो आपको देखो आपको याद रखना है पेलिमोन के शरीर का मुख्य कंकाल कई कंटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रस्थ कंटक, पीछे वाला जो कंटक होता है प्रस्थ कंटक,
टर्गम कहलाता है, टर्गम। प्रस्थ का मतलब पीछे की तरफ। ये पेलिमोन के उदरीय भाग की काट है, मतलब कि ये पेलिमोन के उदर की अनुप्रस्थ काट का एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको तीन प्रकार के कंटक मिल रहे हैं। प्रस्थ कंटक जो होता है वो कहलाता है टर्गम। प्रस्थ कंटक के सामने की तरफ जो कंटक पाया जाता है, यानी इसके सामने जो पाया जाता है वो कहलाता है स्टर्नम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिप्रस्थ कंटक जो होता है, प्रतिप्रस्थ कंटक जो होता है वो कहलाता है स्टर्नम। और यदि मैं बात करूं इसके साइडों में, तो साइड को बोलते हैं पार्श्व कंटक। पार्श्व कंटक जो होते हैं वो कहलाते हैं प्लूरोन। प्लूरोन अर्थात कि पेलिमोन का जो मुख्य शरीर है या मुख्य कंकाल है कई कंटकों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हमने बात की तीन पार्ट पाए जाते हैं। प्रस्थ कंटक टर्गम अपर साइड पे, यानी सबसे ऊपरी लेयर जो ये वाली लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये इतनी जो शील्ड बना रही है ये यहां से यहां तक का भाग ये कहलाता है टर्गम। नीचे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है स्टर्नम। और साइड के जो कंटक पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्लूरोन। तो आपको याद रखनी है कि यहां पर ये तो होती है बात पेलिमोन के एक्सोस्केलेटन की, और यदि हम बात करें कि जैसे कि देखो नीचे की तरफ हम एक बार फिर इसे मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था ये शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। हम ये कह सकते हैं कि पेलिमोन के अंदर पेलिमोन में शीर्ष भाग के कंटक मिलकर पेलिमोन में शीर्ष भाग के कंटक मिलकर एक शील्ड बनाते हैं, एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिसे सिफेलोथोरेसिक शील्ड कहा जाता है, सिफेलोथोरेसिक शील्ड कहा जाता है। यानी पेलिमोन के अंदर जो शीर्ष भाग का मतलब सबसे आगे वाला जो भाग होता है उसके कंटक मिलकर एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सिफेलोथोरेसिक शील्ड। और पेलिमोन का शरीर का मुख्य भाग पेलिमोन के शरीर का मुख्य भाग दांतेदार पर्वत के रूप में निकला रहता है। दांतेदार पर्वत के रूप में निकला रहता है जिसे कहते हैं रोस्ट्रम। जिसे रोस्ट्रम कहा जाता है। तो आपको यहां पे एक बात और याद रखनी है। देखो क्या हम अपने इस टॉपिक के अंदर एक बार पेलिमोन के डायग्राम को फिर से देखते हैं। देखो ये है पेलिमोन का डायग्राम। पेलिमोन की स्ट्रक्चर एक तकुए के आकार की होती है इस तरीके से, ठीक है। पेलिमोन एक जलीय प्राणी है, हम जानते हैं तालाबों झीलों आदि में पाया जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के रूप में देखो पेलिमोन का जो अग्र भाग होता है वो दांतेदार प्रवर्त के रूप में उभरा रहता है। इस भाग को हम कहते हैं रोस्ट्रम। यानी ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग कहलाता है पेलिमोन का रोस्ट्रम वाला भाग।
रोस्ट्रम वाले भाग के पीछे ही एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो कि व्रंत के रूप में निकले रहते हैं। तो पेलिमोन के अंदर ये जो भाग है ये है कंपाउंड आई के रूप में। अब बात करूं मैं कंपाउंड आई की, तो यहां पे देखो कंपाउंड आई के बैक साइड की तरफ दो प्रकार के स्पाइन पाए जाते हैं जिनमें से पहला है एंटेनल स्पाइन और दूसरा है हिपेटिक स्पाइन। इसे हम श्रृंगीय कंटक और लकृत कंटक कहते हैं, यानी कि नेत्र कोटर या कंपाउंड आई जो होती है पेलिमोन के अंदर, नेत्र कोटर या कंपाउंड आई की खांचों के नीचे की ओर पेलिमोन के अंदर कंपाउंड आई के बैक साइड या पीछे की तरफ कुछ उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें श्रृंगीय कंटक और यकृत कंटक कहा जाता है। हिपेटिक स्पाइन का मतलब है यकृत कंटक, एंटेनल स्पाइन का मतलब है श्रृंगीय कंटक। ये दो प्रकार के कंटक पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम देखो ये वाले भाग की, तो पेलिमोन के अंदर ये उभरा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं सिफेलोथोरेक्स रीजन, इसे कहा जाता है सिफेलोथोरेक्स। ये देखो मैंने आपको यहां पे इंडिकेट किया है कि सिफेलोथोरेक्स रीजन क्या होता है, यानी पेलिमोन का रोस्ट्रम के पीछे वाला भाग जो होता है उसमें शीर्ष भाग प्लस उदर भाग। पेलिमोन के यदि बात करें हम पेलिमोन के शरीर की, तो पेलिमोन के शरीर को हमने मेनली हम दो ही भागों में बांटते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग जो शीर्ष भाग, दूसरा भाग इसका उदर वाला भाग, यानी कि सॉरी पहला भाग शीर्ष भाग, दूसरा इसके थोरेक्स वाला रीजन यानी वक्ष वाला भाग, छाती वाला भाग जिसे हम कहते हैं, और तीसरा भाग जो है वो उदर वाला। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 खंड दिखाई दे रहे हैं, यानी मैंने आपको बताया था कि शीर्ष के पांच भाग मिलते हैं, यानी शीर्ष का निर्माण पांच भाग करते हैं, थोरेक्स या वक्ष भाग या जो वक्ष भाग होता है उसके 8 खंड मिलकर वक्ष भाग का निर्माण करते हैं, जबकि लास्ट के जो 6 सेगमेंट है, 5 और 1/6 सेगमेंट, यानी लास्ट के जो 6 खंड है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खंड जो है, लास्ट के 6 खंड मिलकर उदर का निर्माण करते हैं। तो देखो हमने बात की कि पेलिमोन के अंदर दांतेदार प्रवर्त के रूप में जो संरचना उभरी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम के पीछे की तरफ क्या होते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जिसे नेत्र कोटर भी कहा जाता है। इन नेत्र कोटरों के पीछे की तरफ कुछ विशेष प्रकार के स्पाइन्स होते हैं जो उभरी हुई संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ये एक एक होते हैं, इनके अंदर यदि बात करें हम एंटेनल स्पाइन को कहते हैं हम श्रृंगीय कंटक और दूसरे वाले को कहते हैं हिपेटिक स्पाइन यानी यकृत कंटक, ठीक है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, रोस्ट्रम के पीछे वाला जो रीजन होता है वो कहलाता है सिफेलोथोरेक्स रीजन। इसे सिफेलोथोरेक्स रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि शीर्ष भाग और वक्ष भाग जब मिल जाते हैं तो कहलाते हैं सिफेलोथोरेक्स या शिरोवक्ष भाग। सिफेलोथोरेक्स रीजन जो होता है वो एक शील्ड के रूप में होता है। सिफेलोथोरेक्स रीजन के नीचे की तरफ एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैरापेस, इसे हम कहते हैं कैरापेस। आपको याद रखना है यह है कैरापेस वाला भाग। और देखो पेलिमोन के जो अंतिम सेगमेंट होते हैं यानी अंतिम जो 6 सेगमेंट होते हैं उनके बीच में कुछ विशेष प्रकार की यानी खंडों को जोड़ने वाली एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। मेरे कहने का मतलब है पेलिमोन के जो उदर के 6 खंड होते हैं उनमें एक खंड को दूसरे खंड से जोड़ने के लिए यहां पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यहां पे ये है हिंज ज्वाइंट जिनके माध्यम से, यानी ये देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इसके अंदर हिंज ज्वाइंट। और अगर बात करें पेलिमोन के फिर से आगे वाले भाग की, तो देखो पेलिमोन के अग्र भाग से कुछ विशेष प्रकार के एंटीना लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, ये दो देखो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, इन्हें कहा जाता है फीलर्स और एंटेना। उसके पीछे की तरफ बात करें तो यहां पे पाई जाती है एंटीना के आगे वाले भाग की तरफ पाई जाती है मैक्सिलिपिड्स,
मैक्सिलिपीड्स के फिर हम बात करें नेक्स्ट, तो मैक्सिलिपीड्स के आगे की तरफ यहां पे पाई जाती है क्ले क्लैक्स, फर्स्ट क्ले क्लैक्स, सेकंड क्ले क्लैक्स, और उसके बाद नॉन क्ले क्लैक्स होते हैं जो कि इस तरीके से सिफेलोथोरेक्स रीजन के अंदर पाए जाते हैं गिल कवर। यानी मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल व ट्रेकिया के माध्यम से या सामान्य सतह के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से पेलिमोन में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है 1 2 3 4, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है प्लियोपोड्स, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्लियोपोड्स क्या होते हैं, पलोपाद, पेलिमोन को तैरने के अंदर जो सहायता प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं प्लियोपोड्स या पलोपाद, ठीक है। और यूरोपोड और टेल्सन के बारे में आप जानते ही हो कि किस प्रकार से टेल्सन एक अंतस्थ पुच्छाकृति के रूप में पाया जाता, अंतस्थ पुच्छाकृति के रूप में, यानी पूंछ की आकृति के रूप में, पुच्छाकृति के रूप में, अंतस्थ पुच्छाकृति जो होती है वो टेल्सन कहलाती है। ये एक प्रकार का नुकीला स्पाइन है। इसके अलावा यूरोपोड जो होते हैं इसको पीछे की तरफ मूव करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमने बात की कि पेलिमोन के अंदर किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, या फिर कैरापेस जो होता है, जो पेलिमोन के अंदर सिफेलोथोरेसिक शील्ड पाई जाती है, जो ढाल पाया जाता है उसका नीचा वाला जो पिछला भाग कह दो या नीचे वाला भाग जो होता है वो कैरापेस कहलाता है। फिर हम बात करते हैं देखो पेलिमोन के एंडोस्केल्टन। मैंने आपको बताया था कि पेलिमोन के अंदर वैसे तो अंतः कंकाल या एंडोस्केल्टन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। पेलिमोन में अंतः कंकाल की अनुपस्थिति होती है, लेकिन क्यूटिकल की अतिवृद्धियां, क्यूटिकल की जो अतिवृद्धियां होती हैं पेलिमोन के अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं। पेलिमोन के अंतः कंकाल का निर्माण करती है क्यूटिकल की यह अतिवृद्धियां जो होती है क्यूटिकल की यह अतिवृद्धियां क्यूटिकल की यह अतिवृद्धियां क्यूटिकल की यह अतिवृद्धियां जो होती हैं मिलकर ही अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं। एवं यह उभरी हुई संरचनाओं के रूप में होती है। उभरी हुई संरचनाओं के रूप में होती है। उभरी हुई संरचनाओं के रूप में होती है। और अंतः कंकाल की ये जो अतिवृद्धियां होती हैं, अंतः कंकाल की छोटी छोटी अतिवृद्धियों को एपोडेम्स कहा जाता है। क्यूटिकल की छोटी छोटी अतिवृद्धियों को क्या कहा जाता है, एपोडेम्स कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे, तो देखो हमने बात की पेलिमोन के अंदर पाए जाने वाले अंतः कंकाल की, तो अब हम बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
व्हाट इज द रोस्ट्रम या रोस्ट्रम क्या है? तो आपको बताना है टाइलीमोन के अंदर दांतेदार प्रवर्त के रूप में अग्र भाग जो होता है उभरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोस्ट्रम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यूरोपोड से आप क्या समझते हैं? यूरोपोड से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन जो है वो यूरोपोड से बिलोंग करता है। तीसरा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, टेल्सन क्या है? चौथा क्वेश्चन, प्लियोपोड से आप क्या समझते हैं? प्लियोपोड से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलीमोन में अंतःकंकाल व बाह्य कंकाल के बारे में बताइए। पेलीमोन में अंतःकंकाल व बाह्य कंकाल किनका बना हुआ है? किसका बना हुआ होता है? ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हैं? ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हैं? यानी ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन का फंक्शन लिखिए। तो ये थे इस टॉपिक से बिलोंग करते हुए क्वेश्चन, रोस्ट्रम क्या है, यूरोपोड क्या है, टेल्सन क्या है, प्लियोपोड से क्या समझते हैं, पेलीमोन में अंतःकंकाल में बाह्य कंकाल किसका बना होता है, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन का क्या कार्य है। तो ये जो है ये पेलीमोन के अंदर पाए जाने वाले क्वेश्चन है, यानी पेलीमोन के एक्सटर्नल फीचर्स, या फिर हम बात करें पेलीमोन के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, या हमने एक्सटर्नल फीचर्स की बात की, एंडोस्केल्टन की बात की, एक्सोस्केल्टन की बात की। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहिए था, एपोडेम्स किसे कहा जाता है? एपोडेम्स, मैंने अभी लास्ट में बताया कि क्यूटिकल की जो अतिवृत्तियां होती हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है, और क्यूटिकल की अतिवृत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, एपोडेम्स कहलाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि पेलीमोन की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, और पेलीमोन के अंदर क्या क्या करेक्टर्स पाए जाते हैं, पेलीमोन की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। यदि आपने इसकी स्ट्रक्चर को समझ लिया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे कि पेलीमोन के अंदर क्या क्या सिस्टम पाए जाते हैं, और किस प्रकार से इनकी जो किलेट लैग्स और नॉन किलेट लैग्स जो होती हैं। अभी इसके अंदर हम बात करेंगे, जो हमने बात की थी कॉक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट की, लेकिन हम मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, इसे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि हम उसको बिल्कुल डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी यदि आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।